गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में आज हम रीड करेंगे क्लास थर्ड के साइंस का एक लेसन, ओके, द अर्थ एंड इट्स नेबर्स। तो ये लेसन हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में रीड कर चुके हैं, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स हैव ए क्विक रिकैप ऑफ द लेसन। द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स दैट गोज अराउंड द सन। पृथ्वी जो है उन 8 ग्रहों में से है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, ओके। द अर्थ हैज 2 मूवमेंट्स। धरती जो है 2 तरह की मूवमेंट करता है, वन इज रोटेशन एंड अनदर वन इज रिवोल्यूशन, ओके। अब रिवोल्यूशन क्या होता है? परिक्रमा। और रोटेशन क्या होता है? चक्कर लगाना। तो ये दोनों सुनने में जैसे लगते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। रोटेशन जो होता है, धरती अपनी धुरी पर घूमती है, रोटेट करती है, ओके। एंड रिवोल्यूशन मीन्स कि वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती रहती है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द सन इज ए स्टार, इट हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट। सूरज जो है एक तारा है, इसका अपना खुद का लाइट मतलब चमक और ऊर्जा है, मतलब इसकी लाइट और हीट है, हीट मतलब गर्मी, ओके। द मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चांद पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ओके। स्टार्स आर हेवनली बॉडीज That gives out their own light. तारे जो होते हैं वो heavenly body होते हैं, जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है, okay? Group of stars appear to form patterns called constellations, okay? तो तारों के समूह को जो अलग अलग आकृतियां बनाती है उन्हें हम राशि बोलते हैं, okay? Indian astronomers have contributed greatly to our knowledge about the star and the planet. भारतीय खगोल शास्त्री भारतीय खगोलज्ञों ने बहुत बड़ा योगदान दिया हमें ग्रह, प्लेनेट और तारों के बारे में जानकारी देने में। मतलब उन्होंने तारों और ग्रहों के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। रीड एंड आंसर, आपको रीड करना है और आंसर देने। दीज डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। स्टार्स की अपनी लाइट नहीं होती, प्लैनेट्स की नहीं होती, या स्टार एंड प्लैनेट्स दोनों की नहीं होती। तो प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, वो सन की लाइट से ग्लो करते हैं, ओके। तो आपको प्लैनेट पर टिक करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस हैज ए शेप सिमिलर टू द अर्थ। इसकी जो आकृति है पृथ्वी की तरह है। किसकी? फुटबॉल की, शू बॉक्स की, या स्क्वायर टेबल टॉप की? तो देखो हमारी जो पृथ्वी है वो गोल है, तो इनमें से गोल क्या होता है? फुटबॉल, यस। तो आपको फुटबॉल पे टिक करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मून शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ। चांद चमकता है या चांद की रोशनी आती है क्योंकि ये किसकी रोशनी से चमकता है? अर्थ की रोशनी से, सन की रोशनी से, या दूसरे स्टार्स की रोशनी से? तो ये भी सन की रोशनी से चमकता है, ग्लो करता है, ओके। तो आपको द सन पे टिक करना है, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। कॉन्स्टलेशंस आर द पैटर्न फॉर्म बाय। तो राशि की आकार जो मतलब आकृति बनती है राशि के आकार की, उसे क्या बोलते हैं हम? प्लैनेट्स, स्टार्स या मून्स? तो स्टार्स आकृति बनाते हैं, स्टार्स कॉन्स्टलेशंस बनाते हैं डिफरेंट शेप्स के, ओके। तो आपको स्टार्स पे टिक करना है। नेक्स्ट देखिए। ही वाज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू इन्फॉर्म द वर्ल्ड दैट द अर्थ इज राउंड। किसने बताया था हमें? भास्कर ने, और ये क्या है, वराह मिहिरा ने, या आर्यभट्ट ने? तो ये आर्यभट्ट ने बताया था, जीरो का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया था कहते हैं। तो उन्होंने ही बताया था कि हमारी धरती या हमारी पृथ्वी गोल है, ओके। द प्लैनेट्स गॉट मिक्स्ड अप। ये प्लैनेट्स जो हैं मिक्स्ड अप हो गए। नंबर दीज प्लैनेट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूरज से इनकी दूरी के हिसाब से हमें इन्हें नंबर करना है, ओके। मरकरी इज नंबर्ड वन, ओके। तो नंबर वन पे है मरकरी, नंबर टू पे क्या आएगा? देखो आपको अगर हेल्प लेनी हो तो आप यहां से भी ले सकते हो, फर्स्ट पेज पे आपको हेल्प मिल जाएगी। देखो ये री, ओके। तो पहला आपका हो गया मरकरी, सेकंड हो गया आपका वीनस, थर्ड हो गया अर्थ, फोर्थ हो गया मार्स, फिफ्थ हो गया जुपिटर, सिक्स्थ हो गया सैटर्न, सेवंथ हो गया यूरेनस, और एट्थ हो गया नेपच्यून, ओके। वेरी गुड, ऐसे ही मार्क करने हैं आपको भी इनको आइडेंटिफाई करके, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। राइट द टाइम टेकन फॉर वन रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। धरती को अपनी एक्सिस पे चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है?
24 आवर्स, तभी तो दिन और रात बनते हैं ना। रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सूरज के चार ओर चक्कर लगाने में अर्थ को कितना टाइम लगता है? 365 days and 6 hours, ओके, वेरी गुड। रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड द सन, तो चांद को सूरज के चार ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 27 days and 8 hours, ओके। रोटेशन ऑफ मून ऑन इट्स एक्सिस, चांद को अपनी एक्सिस में घूमने में कितना समय लगता है? 27 days and 8 hours, उसको इक्वल टाइम लगता है अपने एक्सिस पे घूमने में भी और सन के अराउंड घूमने में भी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाई डज द अर्थ अपीयर फ्लैट टू अस, तो इसका आप लिखोगे अर्थ अपीयर्स फ्लैट टू अस बिकॉज वी कैन सी ओनली ए टिनी पार्ट ऑफ ए होल, मीन्स किसी आर्क, जैसे कोई सर्कल शेप में होता है, जैसे हमारी पृथ्वी है गोल है, तो हम उस आर्क का एक बहुत टिनी पार्ट ही देख पाते हैं, इसलिए हमें वो फ्लैट लगती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज, रोटेशन ऑफ अर्थ से क्या बनता है? तो आप लिखोगे रोटेशन ऑफ अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मून इज विजिबल इन द स्काई बिकॉज ऑफ सन, हाउ, तो आप लिखोगे मून डजंट हैव इट्स ऑन लाइट, इट्स ग्लो बिकॉज ऑफ सन्स लाइट, ओके। व्हाट इज गिबस मून, अब गिबस मून के बारे में बताना है आपको, गिबस मून क्या होता है? देखो यहां पर था ये रहा, व्हेन वी सी मोर देन हाफ ऑफ द मून, अगर चांद का आधे से ज्यादा भाग हमें दिखाई देता है तो इसे हम गिबस मून कहते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेम एनी टू कॉन्स्टलेशंस, दो कॉन्स्टलेशंस के नाम बताने हैं, तो देखो ये सारे कॉन्स्टलेशंस हैं, ओर्सा मेजर और स्कॉर्पियस, ऑरियन भी होता है और ये लियो भी होता है, तो आपको दो के नाम बताने हैं, ओके। हु आर एस्ट्रोनॉमर्स, तो आपको एस्ट्रोनॉमर्स में क्या करना है, एस्ट्रोनॉमर्स में आपको बताना है, एस्ट्रोनॉमर्स आर पीपल हु स्टडी द सन द मून द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, ओके, ये आपको आंसर करना है। नेक्स्ट देखिए, थिंक एंड आंसर, आउट ऑफ मर्करी अर्थ एंड नेपच्यून विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट एंड विच इज द कोल्डेस्ट, तो जो आप बताओ उसमें जो हॉटेस्ट कौन सा होगा, जो सन के ज्यादा पास होगा, ओके, और कोल्डेस्ट कौन सा होगा, जो सन के सबसे दूर होगा, तो बताओ इसमें से कौन सा होगा, मर्करी अर्थ एंड नेपच्यून, तो मर्करी हमारा सन के सबसे पास होता है तो मर्करी सबसे हॉट होगा, ओके, और अर्थ जो है वो बीच में रहेगा और आपका नेपच्यून जो है वो सबसे लास्ट में होगा, तो नेपच्यून सबसे कोल्ड होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द सन इज ए स्टार एंड वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम इट, ओके, व्हाई डोंट वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द अदर स्टार्स इन द स्काई, तो आप लिखोगे सन इज द nearest star to the earth, so we get some of its energy and light. चलिए next part देखते हैं, do and learn. Activity क्या है, be an astronomer, आपको एक खगोलज्ञ बनना है, मतलब practical करने के लिए. Color the figure to show the formation of day and light. Label it clearly using these words. ये words दे रखे हैं, इन words को use करके आपको figure को color करना है, okay? तो देखिए पहला क्या है, earth. तो अर्थ तो ये पूरा अर्थ है, ओके, तो आपको इसको कलर करना है अर्थ के शेप में, अर्थ के कलर में. सन, ये आपका सन हो गया, तो इसको आपको येलो येलो करना है सन, ओके. सन रेज, ये सन रेज निकल के आ रही है अर्थ की तरफ, ओके. डे, तो जो अर्थ का पोर्शन सन के सामने है आपको इसको डे दिखाना है, ओके. नाइट, ये जो इसके बैक पार्ट, मतलब बैक साइड में जो पोर्शन है अर्थ का, यहां पे नाइट होगी, ओके. और एक्सिस, एक्सिस जो है ये होगा, ओके, तो आपको ये कलर ड्रॉ, कलर फिल करने इसमें, ओके. साइंस ऑनलाइन, इसमें क्या है, नो मोर अबाउट द जंतर मंतर, द जंतर मंतर वाज बिल्ड टू प्रेडिक्ट द टाइम्स एंड मूवमेंट ऑफ द सन द मून एंड द प्लैनेट्स, तो जंतर मंतर का निर्माण सूरज की, धरती की और चांद की मूवमेंट, कैसे घूम रहा है वो, कैसे जा रहा है यहां से वहां, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाया गया था. द जंतर मंतर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इज वन ऑफ द 5 बिल्ट बाय महाराजा सवाई जय सिंह, महाराजा सवाई सिंह जय सिंह ने 5 बनाए थे जंतर मंतर, दिल्ली वाला जो है उनमें से एक है, ओके. अब वैल्यू देखिए इसमें क्या कह रहा है, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज प्रेजेंट, व्हाट शुड वी डू टू मेक द अर्थ ए बेटर प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस, टिक करना है आपको, प्लांट ट्रीज,
यस, ये तो टिक करोगे, करोगे। थ्रो वेस्ट इन वाटर, थ्रो करना चाहिए वाटर में वेस्ट, नो। बर्न ड्राई लीव्स एंड प्लास्टिक बैग्स इन ओपन, हमें ड्राई ड्राई लीव्स और प्लास्टिक बैग बर्न करना चाहिए, नो। तो ओनली पहला वाला आपको टिक करना है। ओके, सो आई थिंक यही थे आपके क्वेश्चन आंसर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।